जो ऑनलाइन आप लोगों ने किया था वो लास्ट साल, कोई एक और फिर अभी एग्जांपल निकालनी पड़ेगी हमें, कोई जिसपे मैप या कुछ और। हाँ जी, कल किस किसने घर जाके अटेम्प्ट किया है रिडक्स को, ये आपको दोबारा चांस नहीं मिलना। अगर अभी आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज चीजें इतनी मैस हो जाएंगी कि समझ नहीं आएगी, चीजें काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। मैंने आपको वो भेजा था, एक मॉल्टर की भी दो वीडियोज भेजी हैं, उसमें जितने अब तक आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो एक ही वीडियो में मिक्स हुए हैं सारे। साइन आउट कौन कर देता है रोज, ले ठीक तो ये मैंने आप लोगों को कहा था हैंडल करनी है, ये तो आपको टास्क दिया था मैंने पहली बार, और ये मेरे केस में आपने देखा नहीं, जो मैंने कोड शेयर किया उस पे ये उससे आगे जाता ही नहीं मेरा, फिर कल आपने लेक्चर नहीं देखा मेरा। हाँ वो, लेकिन ये अब लेटेस्ट लेक्चर देखे ना, डेवलपमेंट चीजों में होती रहती है, इसकी क्वांटिटी हार्ड कोड जीरो की है। डेटा कितने रखा आपने, हाँ लेकिन अब वो लेटेस्ट देखे ना, अब तो मैंने ये तो स्टार्ट में स्लो बनाने के लिए करवाया था, अब तो मैंने पूरे का पूरा फुल फ्लैज रिजल्ट अगला वेट भी करा। अच्छा आप कंडीशन का हो ना कि जब वो जीरो से कम जाता है वो जाए ना। अच्छा हाँ वो देखो, ये तो कॉमन आपको खुद ही देख के समझ आ जाना चाहिए। ये था इनिशियल सेटअप के लिए, उसके बाद जो है कि आपको उस पर थोड़ा सा ना काम करना पड़ेगा, ये था जब स्टार्ट स्टार्ट में लोगों को रिडक्स का कंसेप्ट समझ ना ना आए। ये क्या चक्कर है, सर, ये 07 आ रहा है, 0 1 2 3, ये पोजीशन से उसके ऊपर जाएगा पास करके। ये यूआई का काम है, तो बिल्कुल छोटा सिंपल सा काम है। चल फिर नहीं रहा भाई,
सारी वो लोकल हॉस्पिटल इसलिए करवाते हैं क्योंकि आप पहले टेस्ट कर सको, यानी कि सौ रुपया उसने भी दाम होता है तो लोकल लाइफ पे कभी दाम करना भी नहीं। जो जो चीजें बाद चेंजेस होती है ना वो फिर लाइव पे आहिस्ता आहिस्ता डिप्लॉय करते हैं, उसके बाद वो व्हाट्सएप पे आप अपना उसको लाइव करना कहते हैं जी। उसके लिए बकायदा लहदा लहदा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बने हैं। मिसाल आपने सिर्फ कॉन्टेक्ट उसमें चेंज किया है, अब पूरी फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आगे उनके एडमिन पैनल बने होते हैं, सिर्फ वही फाइल जाके रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि पूरा अपलोड करेंगे वो फिर सारे का सारा कोड हिल जाएगा। वो आगे जब डिप्लॉयमेंट है, ये स्टार्ट में क्या आप पूरे का पूरा फोल्डर भेज दिया, जब आप सॉफ्टवेयर है उसमें जाते हैं तो एक ही प्रोजेक्ट पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, तो गिट हब के थ्रू भी वो टीम को हैंडल करते हैं, जीरा सॉफ्टवेयर भी है, ट्रेलो भी है, उसके थ्रू एक ही वेबसाइट पे 10-15 डेवलपर काम कर रहे हैं और उनका कोड भी इंटीग्रेट हो रहा होता है। लाइव यही होता है, इसको लाइव यहाँ पे ऑनलाइन डिस्प्ले करना यही लाइव है। टाइम पे डिपेंड करता है सर, करवा दें बाद में समय ना आए, मैं नेट से बेताशा तरीके पड़े हुए नेट से देख ली। और मेरा ये हफ्ता एक्स्ट्रा जा रहा है मेरे सिलेबस से, मेरा एक बैच आप लोगों की वजह से डिले हो रहा है, वो ऑलरेडी मैंने किसी और बंदे को डिप्यूट किया, 3 दिन एक्स्ट्रा हो गया मेरे मेरी प्लानिंग के मुताबिक, ये वाले 3 दिन एक्स्ट्रा चल रहे सर, मैं किसी बंदे की ड्यूटी लगा दूंगा ये कर। मैंने पहले दिन ही कह दिया था, आपका जो फंक्शनैलिटी है ना वो इतनी एडवांस हो चुकी कि ये आप 6 माह में भी इतना कंटेंट नहीं पढ़ सकते जितना मैंने तकरीबन 20-21 क्लासों में करवा दिया। ये 6 माह का फुल फ्लेज कोर्स है, तकरीबन 6 माह का ये कोर्स बनता है। ये अगर आप ये टोकन ऑथेंटिकेशन बीक्रिप्शन और ये सारे मेथड करें ना, रीडक्स भी तकरीबन 2 हफ्ते लग जाते हैं, मतलब सही। अभी मैंने आपको वो पूरी बुनियाद भी बताई, बेसिक उसका तरीका होता है कि पहले प्रॉप्स पढ़ें, प्रॉप्स पे 1 दिन लेक्चर हो, अगले दिन कॉन्टेक्स्ट एपीआई पे हो, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट पे, फिर यूज कॉन्टेक्स्ट पे हो, फिर अगले वीक आपको पता चलेगा यार अच्छा प्रॉप्स में ये मसले थे। अभी तो थ्योरी आपने पढ़ी है ना, वो प्रैक्टिकल भी होता है, फिर पहले प्रॉप्स में भी वो प्रॉब्लम वाकई कोडिंग में दिखाई जाए कि ये प्रॉब्लम आ रही है, उसका हल डेवलपर ने क्या निकाला, कॉन्टेक्स्ट एपीआई आ गई, फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई को इस्तेमाल करते जाएँ। एक खास लेवल आएगा जब उसमें मसले आने स्टार्ट होंगे, वो मसले कोड में देखें कि क्या आए थे जो डेवलपर को रिडक्स की जरूरत पड़ी, वो अभी आपने देखे ही, वो हमने सिर्फ एक दफ़ा थ्योरी पढ़ी है तो रिडक्स पे आ गए, ये स्क्वीज की ये चीज़ें। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा आप गए तो बहुत ज़्यादा लेंथी दुनिया, अगर आपने लेक्चर पढ़े मिल जाएंगे लेक्चर मिल जाएंगे हाँ, बल्कि उसमें और भी मैं 2-3 अच्छे लेक्चर अपने दे दूंगा, वो हैं अभी तकरीबन हार्डली 1-1.5 महीना पहले के हैं, यानी लेटेस्ट ही होंगे अगस्त के होंगे या सितंबर के होंगे। अच्छा जी, ये रिडक्स टूल किट है, इसको उड़ा रहे हैं, ये क्या पढ़ा है, ये पहले ही बना हुआ है, ये इसी को समझा रहा हूँ, ये रिमोट फ्राम कार्ड है, ये एम्प्टी कार्ड कर दिया है, एक मिनट, दो दो रिडक्स इसमें लाई हुए हैं, चलो इसको ऐसे एक दफा खाली कर देते हैं, इसको दोनों को भी उड़ा देते हैं, इसको भी उड़ा दें, इसको भी उड़ा दें, ये चलो टेंशन नहीं करता,
चलो भाई, कितना स्लो हो गया। चलो इसको लोड होने दीजिए, हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। लोड होता रहेगा। हो गया। रीडर्स टूल किट। इस पे जाएं तो बाय नाउ। चलो फिलहाल इसी को यूटिलाइज कर लेते हैं। ले रीडर्स इमेजेस में आ गए। रीडक्स टूल किट। रीडक्स और रीडक्स टूल किट में डिफरेंस क्या है? इसमें मिडलवेयर भी ऐड हो जाता है, जो हमने इग्नोर कर दिया है। जब आपका डाटा एपीआई से आता है, ये फ्लो देख लें, ये वैसे ही बड़ा अच्छा किसी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है। जब आपका एपीआई से डाटा आता है ना, तो आपको मिडलवेयर की जरूरत पड़ती है। एक्चुअल में जो आपने फ्लो अब तक पढ़ा ना, वो कुछ इस तरह से है कि आप एक व्यू से रिक्वेस्ट हिट करते हैं, यहाँ पे जाएं आप, इसको कर लें रिडक्स, खाली कर लें। ये वाला काम अभी तक आपने ये वाला फ्लो पढ़ा है मेरा, आप घर जाके आपको ये भी नहीं पढ़ता आप में से, फिर वो आप कहते हैं क्लास में जो कर लिया कहानी खत्म, और बस यही कोर्स है और यही डेवलपर है, बस डेवलपर बन गए। मेरा ये नहीं, मैं जो अब तक समझा ना आप सबको, उसका मतलब यही बनता है। घर जाके आप सिर्फ हार्डली आप में से कोई कोशिश भी करता होगा तो मेरा लेक्चर या जो भी टीचर ने पढ़ाया उसको देख के साथ कोड किया कहानी खत्म। ना को अपना दिमाग यूज करना, ना को नई चीज एक्सप्लोर करनी, ना दाएं बाएं कॉन्सेप्ट या इससे रेलिवेंट को नई चीज भी आई कि नहीं, ये सारी चीजें ना तो कोर्स आपको बताएगा ना टीचर को भी बताएगा। मैं फर्ज करें आज के टाइम तक अगर कोई चीज मॉडर्न पढ़ा भी दूं ना, आप अगले हफ्ते यहाँ से कोर्स खत्म होता है, अगले हफ्ते नई चीज आ जाएगी, वो कौन आपको बताएगा? कोई भी नहीं बताता। ये ग्रेजुअली चीजें अपने आप की हैबिट्स में ये चीजें ऐड करनी पड़ेगी कि अगर आप एक चीज स्टडी कर रहे हैं ना, आपको चाहिए कि रीडक्स को मेरे पढ़ाने के बाद खुद एक दफा तसल्ली से रीडक्स को एक्सप्लोर करते, रीडक्स क्या क्यों आया, क्या स्टेट तो पहले भी हैंडल हो रही है, स्टेट तो पहले भी हैंडल हो रही है, प्रॉप्स के मसले, प्रॉप्स में इशू क्या थे, वो जेन्युइन इशूज को स्टडी करें, कोड में वो इशूज ढूंढे। जब रीडक्स चल ही रहा है तो रीडक्स के साथ थंक क्या है, या मिडलवेयर क्या है, या रीडक्स टूल किट क्या बनाई, जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप लोगों को क्लास में आने से पहले खुद एक दफा नॉलेज होना चाहिए इन चीजों का, ताकि आप वो सवाल पूछें जो टेक्निकल हो। आपका सवाल ये पूछना बनता था कि सर जो आपका थंक आता है उसका रोल क्या होता है, जब एक्शन में से रिड्यूसर के दरमियान डाटा सीधा सीधा जा रहा है, इस दरमियान को नई चीज अगर आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, ये टेक्निकल क्वेश्चन है। ये नहीं फ्लो तो मैं आपको रटा दिया है उस दिन, ये तो मैंने आपको पट्टी पढ़ा दी है पूरी। अगर इस तरह आप डेवलपमेंट करेंगे ना, तो आप सिर्फ ये है कि जो को टास्क हमने दिए है ना, सिर्फ आपकी ग्रिप उन्हीं पे होगी, अदरवाइज आप डेवलपर नहीं बन सकेंगे। अगर आप इस तरह चलेंगे ना, नॉर्मल या फिर कोई स्टार्ट लेवल के बेसिक लेवल के डेवलपर होंगे आप। अगर थोड़ी सी चीजें अपनी इंप्रूव करनी है तो अपनी हैबिट्स भी उसके अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी आपको। देखें जी, जब आपका ये वाला फ्लो चल रहा है, हमने देखा यूआई से आप रिक्वेस्ट हिट करते हैं, वो एक्शन में जाती है, ये बिल्कुल क्लियर कट बात, और हमने एक्शन बनाई। एक्शन में दो चीजें मिलती हैं, एक उसकी एक्शन की टाइप और डाटा, वो हमने पास किया वगैरह। डाटा पास करने के बाद डाटा जाता है रिड्यूसर में आप लॉजिक ऐड करते हैं, लॉजिक भी हमने लिखी, ऐड टू कार्ड करना, रिमूव करना, एम्प्टी कार्ड करना। वो क्या करता है, आपकी पहले वाली स्टेट और अब की मौजूदा स्टेट को
दोनों को मिक्स करके अपडेट करके स्टेट स्टोर के हवाले कर देता है, और स्टोर में से हम यूज सिलेक्टर के थ्रू पूरी एप्लीकेशन में जिस मर्जी कंपोनेंट में जाएं डाटा पास कर सकते हैं। इसका ये फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ, हमने इंडेक्स जेएस को स्टोर से रैप कर दिया, उसका ये फायदा क्या, पूरी चाहे आपके 2000 कंपोनेंट्स भी हैं स्टोर में डाटा पड़ा है, जिस मर्जी कंपोनेंट यूज सिलेक्टर कॉल करें, यूज सिलेक्टर में से डाटा निकाल लें स्टोर में से यूजिंग यूज सिलेक्टर मेथड। ये आपका एक जर्नल फ्लो है जो हमने, ये कोर रीडर्स है, एक्चुअल असल जो फ्लो है ना वो यही वाला है। अब इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, या आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जिद्दत आ गई है। जिद्दत क्या आई है, ये डाटा वो है जो आपके पास पड़ा हुआ है, आपके सिस्टम में पड़ा है। कल को जब आपने बैकएंड बनाना है ना, तो बैकएंड से मुराद ये होगा कि आपका डाटा आएगा एपीआई से, डाटा आपने मोंगोडीबी में स्टोर किया, उस डाटा को लेके आने के लिए आपके पास मल्टीपल मेथड है, फैच चेक सिंक वेट। अब जब एक्शन के पास आया, हो सकता है एक्शन में यूजर रिक्वेस्ट ही ये आपसे कर रहा हो कि मुझे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दिखाओ जो आपके पास अवेलेबल है। ये आप क्या है, किस नेचर ऑफ रिक्वेस्ट, क्या है कि वो डाटा गेट करना चाह रहा है, लेकिन जो डाटा आपके पास पड़ा है वो आपके पास बैकएंड में पड़ा हो किसी डेटाबेस में। अब जहां पे बात डेटाबेस की आएगी, ऑब्वियसली आप एपीआई को कॉल करेंगे, एपीआई को कॉल करने के 3-4 मेथड है, वो आपने पढ़ लिए। अब ये प्रोसेस होना है एपीआई के थ्रू, लेकिन एट द सेम टाइम एक्शन ने अगला प्रोसेस क्या करना है, रिड्यूसर के पास डाटा भेजना है। तो उसी जगह स्टोर कर दें, इस तरीके से हमने जो फ्लो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली जैसे ही आप एक्शन हिट करेंगे उसमें रिड्यूसर में जाना ही जाना है। लेकिन अब प्रॉब्लम आ रही है, जब आप एपीआई से डाटा लेके आएंगे, ये बात हमने मुतद्दद बार डिस्कस की है कि जब आप एपीआई से डाटा लेके आते हैं, जब आपकी रिक्वेस्ट की नेचर एचटीटीपी हो, तो एपीआई से डाटा आने में अक्सर डिले हो जाता है, इसलिए हम फंक्शन को एसिंक अवेट भी बनाते हैं, प्रोमिस हैंडल करते हैं, हम लोडर लगा लेते हैं। लेकिन अगर हम इसके फ्लो को देखें, तो इसने आंखें बंद करके एक्शन के बाद रिड्यूसर में डाटा भेज देना, और जब वो रिड्यूसर में पहुंचेगा, आपने रिक्वेस्ट भेजी, वो डेटाबेस पे रिक्वेस्ट जा रही थी, डाटा अभी यहाँ, रिक्वेस्ट अभी प्रोसेस हो रही है, हो सकता है जो आपने रिक्वेस्ट हिट की हो उसके अगेंस्ट 5000 रिकॉर्ड आने, जिसमें इमेजेस भी हैं, ऑडियोज भी हैं, उनको आने में 10 सेकंड लगेंगे, लेकिन एक्शन ने तो वेट ही नहीं करना, एक्शन फौरन रिड्यूसर के पास डाटा भेजेगा, उसको डाटा नहीं मिलेगा, और अल्टीमेटली ना कुछ अपडेट होगा तो आपकी यूआई क्रैश हो जाएगी, या आपकी लॉजिकल या सिंटैक्स एरर आ जाएगी। उसका उन्होंने हल क्या निकाला, उन्होंने यहाँ पे एक मिडलवेयर बना दिया, इस जगह पे मिडलवेयर का काम होता है, बेसिक इसका असल काम है टू हैंडल डिले को हैंडल करना। एक्चुअल जो मिडलवेयर का काम है ना, कि जब तक यूजर ने जो एक्शन की रिक्वेस्ट की है वो उसको डाटा मिल नहीं जाता, तब तक आप प्रोड्यूसर के पास ना जाओ। सो जैसे ही आप एक्शन हिट करेंगे, वो नेचर ऑफ रिक्वेस्ट देखेगा कि आपका डाटा एपीआई से आना, तो वो मिडलवेयर को कॉल करेगा, यहाँ पे मिडलवेयर्स लगेंगे, वो ये मिडलवेयर हैं जो इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है, सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाला थंक है, थंक मिडलवेयर है, सागा भी यूज हो रहा है अब, ये नई चीज आई है पिछले 2-3 सालों में, लेकिन ये 10-15% यूज हो रही है नेशनल कंट्रीज में, बहुत इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होती है, मिडल ईस्ट में यूज है, यूरोप में बहुत ज्यादा यूज होती है, लेकिन ओवरऑल देखें तो ये अकेला ही 80% यूज होता है ये वाला। अगर कोर रिडक्स में देखें, ये मोबैक्स भी चलते हैं कुछ कंट्रीज में, फ्लक्स भी है, ये सारे मिडल वेयर ही, शायद नेट पे आपको इतने नाम भी ना मिले किसी एक जगह से। सो जब तक रिक्वेस्ट नहीं आएगी, आपको मिडलवेयर्स की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी,
इसका अब सोल्यूशन क्या आया। और जब आप मिडलवेयर बनाते हैं तो मिडलवेयर के लिए सेटिंग करनी पड़ती है, कोड लिखना पड़ता है, और वो काफी कॉम्प्लिकेटेड काम है। जो अब तक आपने फ्लो पढ़ा है उस फ्लो में एक नई चीज और ऐड हो जाएगी। आपने थंक को लैदा इंटीग्रेट करना है, उसका एक लैदा पूरा सेटअप है, उसको स्टोर के साथ कॉन्फ़िगर करना है, रिड्यूसर के साथ करना है। जब ये वाला मसले मसाइल आए तो बाद में ये कोई पिछले एक दो साल से उन्होंने ये एक नई चीज पे इन मार्केट में होगी रिडक्स टूल की जो अब चल रही है, ये वाली जिसका फ्लो में ये आपको दिखा रहा था इधर, ये काम ये भी सेम करती है। इसने को अनोखा काम नहीं किया। अब देखें जब आप यूआई से रिक्वेस्ट हिट कर रहे हैं, आप एक इवेंट ये देखें ना, उन्होंने एनिमेशन बड़ी अच्छी बनाई है, देखी ये, तो एपीआई बाय डिफॉल्ट उसके अंदर उन्होंने ऐड कर दिया। जो पर्पल कलर का मिडलवेयर बना हुआ है उधर हमें मिडलवेयर बनाना पड़ता है, उन्होंने रिडक्स टूलकिट के अंदर बाय डिफॉल्ट ऐड किया। वो मिडलवेयर के पास जाएगा, मिडलवेयर आपकी रिक्वेस्ट रिड्यूसर में जाके जो भी प्रोसेस होना होगा वो एक्शन डिस्पैच होकर रिड्यूसर में स्टेट अपडेट होगी, और रिड्यूसर और एक्शन एक ही फाइल के अंदर बन जाएगी। ये देखो इसी जगह वो एक ही, ये जो येलो सा बॉक्स बना हो ना बड़ा सा, ये देखे सारी खिचड़ी एक जगह ही पक रही है सारी टोटल। उधर अगर आप वैसे नॉर्मल सिनेरियो देखें, इसमें आपको ईच फेज को अलग अलग करना पड़ता है। अब इस सिनेरियो में देखें तो आपने सिर्फ एक्शन ट्रिगर करना है, इसके अंदर एक्शन भी इसी के अंदर बन जाएंगे, रिड्यूसर भी इसी के अंदर बन जाएंगे, स्टेट भी इसी में अपडेट हो जाएगी, और सिंपली आप बाकी वही प्रोसेस है जो आपने पढ़ा है, डाटा निकालने का यू सिलेक्टर के थ्रू, डिस्पैच करना है तो वो भी वही तरीका है, बटन पे एक्शन ट्रिगर करना है तो डिस्पैच क्लिक करें और एक्शन को कॉल कर दें, एक्शन जाएगा मिडलवेयर के पास और मिडलवेयर में जाके रिड्यूसर के अंदर वो पढ़ेगा क्या रिक्वेस्ट कर रहा है यूजर, उसके मुताबिक वो लॉजिक रिड्यूसर के अंदर ऐड कर देगा। ये देखें वो लिखा, वो एक्शन के साथ थंक ऐड करके भेजता है, ये लें, ये एपीआई पे रिक्वेस्ट आई, एपीआई से डाटा लिया, ये देखें रिस्पॉन्स आया, ये डिस्पैच हुआ, अब स्टेट अपडेट हुई, ये देखें रिड्यूसर में, और ये स्टेट यूआई के हवाले हो। दोबारा आप ध्यान से देखें, इवेंट एक ट्रिगर हुआ, मैंने पैसे जमा कराने थे अकाउंट में, ये गया, ये थंक एक्शन जा रहा है क्योंकि मैंने एपीआई का काम किया है। ये देखें एपीआई से रिक्वेस्ट गई, ये इसी के अंदर ही वो प्रोसेस किया, एपीआई से डाटा दिया, ये मिडलवेयर के पास आ गया, ये एक्शन जो आ रहे हैं ये रिड्यूसर में अपडेट हो जाएंगे और स्टेट अपडेट होके यूआई के हवाले हो जाएंगे। ये प्रोसेस है इसका, ये बड़ा अच्छा किसी ने डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ, ये वाला काम इन्होंने इसके अंदर ही कर दिया एपीआई वाला। अगर आप नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ये वाला काम खुद करना पड़ेगा। इसके लिए बकायदा मैंने यहाँ पे टॉपिक से इसके भी पढ़ाए हुए हैं, थंक मिडलवेयर, थंक है उसका नाम, क्या है थंक, इसमें पढ़ाया था ये 12-10 में, किसी ने कहा था थंक कराए, उस वक्त टाइम था तो मैंने थंक करवा दिया था, ये देख थंक किया हुआ, थंक बहुत ज्यादा यूज होता है तो मैंने थंक करवा दी थी, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको समझ आई कि थंक बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो गया था तो उन्होंने कहा सर आसान सा कोई तरीका बताएं, आसान सा फिर टूल किट ही है, लेकिन टूल किट की आपको तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपको रिडक्स की समझ नहीं आएगी, क्योंकि आप देखें एक्शन और रिड्यूसर और स्टोर एक ही जगह पे हो जाते हैं, सारी किटी एक ही जगह पे पक जाती है। अगर आपको लहदा लहदा फ्लो कहीं पता तो आप इसको समझ नहीं सकेंगे, लो जी इसका आप सेटअप करते हैं जाके, इसको इंस्टॉल कैसे करना है, इधर इन्होंने कहीं ना कहीं लिखी होनी है इसकी कमांड, ले जी एक तो ये आपने कमांड ऐड करनी है npm install redux.js/toolkit, इसको कॉपी करें और आप अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल में आके इसको हिट कर दें, ये
टर्मिनल में जाए न्यू टर्मिनल और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें, ये लें एंटर कर दें। ये किसके लिए है? टोल गेट बनाने के लिए। दूसरी कमांड क्या है? रिएक्ट रिडक्स। ये किसके लिए है? रिडक्स को रिएक्ट के साथ इंटीग्रेट कराने के लिए। ये दो कमांड्स है बस, इतना ही इसका काम है। ले यहाँ पे दूसरी भी चला दें, रिएक्ट रिडक्स। इसको बंद कर दें। इसमें आपके पास सोर्स के अंदर आप एक फोल्डर बना लें रिडक्स के नाम से, रिडक्स टूल किट बना लें, या वैसे रिडक्स ही नाम होता है जर्नल, चाहे आप टूल किट से करें चाहे तंग से, नाम रिडक्स ही होता है उसका। इसके अंदर अब आपका बनेगा एक तो स्टोर बनेगा और दूसरा आपका एक सिर्फ कार्ड स्लाइस बन जाएगी डॉट जे एस। सिर्फ दो फाइलें बने, दो फाइलें कैसे बनेंगी? स्टोर अगर आपने बनाना है तो आपको याद होगा जब आप इम्पोर्ट क्रिएट स्टोर कर रहे थे, याद है क्रिएट स्टोर, इसके ऊपर वो हाइफन लगा होता है, देखें अब सिलीट हो गया। इसकी जगह पे अब आ गया कॉन्फ़िगर स्टोर, इम्पोर्ट कॉन्फ़िगर स्टोर। बल्कि आप उसके ऊपर भी लेके जाए ना तो आपको वो खुद ही सजेशन में भी दे रहता है, देखें इसके ऊपर लेके जाए कर्सर। इसको रिडक्स के साथ यूज कर सकते हैं? नहीं, ये टूल किट में यूज हो, ये देखो ना उन्होंने लिखा हुआ वगैरह, वो रिकमेंडेड यूजिंग दी कॉन्फ़िगर स्टोर। ये टूल किट में से ही आपको मिलेगा, अगर आप देखें यहाँ पे लिखें कॉन्फ़िगर स्टोर, ये टूल किट में मिलेगा, रिडक्स में नहीं मिलता ये वाला। वो उसका मतलब ये नहीं कि आपका कोड ही खराब हो गया, वो रिकमेंडेशन ही कहते। आप फर्ज करें कि एक टूल ले रहे हैं ऑल्पर का ले रहे हैं तो एक मिल्क पैक ले रहे हैं, वो कहते हैं यार मिल्क पैक ज़रा ज़्यादा अच्छा है, वो रिकमेंडेड है। आप एक पानी ले रहे हैं एबीसी, कहते हैं नेस्ले, यार रिकमेंडेड है नेस्ले ले रहे हैं। काम सारे वही कर रहे हैं, पीना ही है, इसने भी काम वही करना है वो, लेकिन रिकमेंड करते हैं कि आप कॉन्फ़िगर का मैथ ये करें टूल किट, इससे कोड शॉर्ट हो जाता है। लेकिन मैं अगेन वही आपको रिपीटेडली चीज़ कहूँगा, ये तब तक आपको समझ नहीं आनी जब तक आपका पीछे वाला फ्लो कवर नहीं होगा। नहीं जी, यहाँ पे आपने स्लाइस क्रिएट करनी होती है, क्रिएट स्लाइस, ये भी रिडक्स टूल किट में, इसमें सिर्फ स्लाइस ही बनती है। यहाँ पे आप पहुंच लें, उसका नाम दे दें कार्ड स्लाइस, ये लें क्रिएट स्लाइस में से, ये इसके अंदर अब आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। ये आपसे ए तो उसी तरह इनिशियल स्टेट लेगा, इनिशियल स्टेट के अंदर आप हमने करना है ये देखेंगे सर, आप देखेंगे खुद ही समझ आ जाएगा। मैंने जो फ्लो समझाया उसी फ्लो के अकॉर्डिंग ही करूंगा। ये आपसे तीन पैरामीटर्स लेगा, एक तो आपका नाम लेगा, ये नाम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, मतलब मैं इसका नाम रख देता हूँ शॉपिंग कार्ड, शॉपिंग हाइफन या शॉपिंग कार्ड। दूसरा ये पैरामीटर लेगा आपसे इनिशियल स्टेट, जो ये डिक्लेयर की है, नाम में क्यों एरर दे रहा है भाई? इनिशियल स्टेट को ऊपर लिख लें, नहीं ये लें स्पेलिंग आगे पीछे कर दें, निशा स्टेट। और तीसरी ये लेगा आपसे रिड्यूसर्स, आप इसी के अंदर बनेंगे रिड्यूसर्स, ये मल्टीपल रिड्यूसर्स, ये तीनों काम अब इसी के अंदर हो रहे हैं। ये देख रिड्यूसर्स क्या होंगे, आपने क्या बनाएगा जी, ऐड टू कार्ट, ये आपसे दो चीजें लेगा स्टेट और एक्शन और एरो। यहाँ पे आप क्या करें जनाब, क्या करें स्टेट डॉट
थॉट्स के अंदर आप कर लें, उसकी कॉपी ले रहे हैं स्टेट थॉट्स, ये और दूसरी कॉपी ले लें डॉट 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 एक्शन डॉट पेलोड। चलो टेंशन मत लो, ये वैसे भी लॉजिक आप देखते हैं, इसको फिलहाल देख लेते हैं, इसकी जगह आप रिटर्न हेलो भी कर लें, कोई मसला नहीं है। ये वही वाली लॉजिक होगी जो आपने पढ़ी है उधर, वो सेम ही होंगी। ये तीन रिड्यूसर बन जाएगा रिमूव फ्रॉम कार्ड, एक ये मेथड आ गया, ये दो उसी तरह चीजें लेगा स्टेट और एक्शन, यहाँ पे इसका अपना सेटअप आ जाएगा रिटर्न एबीसी, यहाँ पे आपका आ जाएगा रिमूव फ्रॉम कार्ड, एक हो गया एम्प्टी कार्ड ले लें, एम्प्टी कार्ड ये ले स्टेट और एक्शन, और इसके अंदर आप सेम लॉजिक कर दें स्टेट डॉट कार्ड इज इक्वल टू, इसको बिल्कुल अरे ही खाली कर दें, ये तो जनरेट ही खत्म करेंगे रिमूविंग वन बाय वन आइटम फ्रॉम कार्ड एडिंग इंक्रीजिंग क्वांटिटी, ये लॉजिक सेम ही है, ये वही वाले। अब देखें ये तीनों हमने लहदा बनाए थे याद है ना, एक्शन में इस जगह बनाए थे एक्शन के अंदर, अब हम एक स्लाइस बना रहे हैं उसके अंदर रिड्यूसर भी बन रहे हैं आपके, उसी के अंदर एक्शन भी बन रहे हैं, बस ये इसका इनिशियल सेटअप है। अब इनको एक्सपोर्ट कर देना है आपने, एक्सपोर्ट आपने सबसे पहले तो डिफॉल्ट करके क्या करेंगे आप रिड्यूसर कार्ड स्लाइस डॉट रिड्यूसर, और बाकी जितने एक्शन है इनको भी एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट कॉन्स मल्टीपल अब है तो ऑब्जेक्ट बना लें, ये भी कार्ड स्लाइस के अंदर जाके जितने भी एक्शन हैं वो सारे कर दें, ये कार्ड स्लाइस है ये वाला नाम, इसके अंदर जितने एक्शन हैं वो कर दिए, सबके नाम लिख लें ऐड टू कार्ड रिमूव फ्रॉम कार्ड और एम्प्टी कार्ड, क्योंकि हमने जहां से ट्रिगर करना है ना वहां पे इनको इम्पोर्ट करना है, उस फाइल में हमने क्या किया था एक अलहदा एक्शन बना के उधर ही लिख दिया था एक्सपोर्ट फॉर्म्स ऐड टू कार्ड, हमने ये वाला काम कर दिया था उसमें, यहाँ पे हमने टाइप भी बता दी थी उसकी रिटर्न करके, टाइप अलहदा बता दी थी ऐड टू कार्ड जो भी है, और यहाँ पे डाटा दे दिया था, ये एक्सपोर्ट तो हम उसमें भी कर रहे थे, हमने अब इन सबको बना तो लिया है एक्सपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि जहां पे हमने इसको कॉल करना है वहां पे एक डिस्पैच का मेथड कॉल करेंगे और इस एक्शन को ट्रिगर कर लेंगे, ये सारे एक्शन बन गए हम लें, ये आपका बेसिक इतना ही काम है। अब इसको आपने स्टोर के साथ इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे आप इसका नाम कार्ड स्लाइस से कॉल कर लें, और आप एक काम करें कॉन्स्ट स्टोर के अंदर आपको जो कॉन्फ़िगर स्टोर मिल रहा है उसके अंदर आप पास करें रिड्यूसर कुछ इस तरह, और इसको कोई भी नाम दे दें एबीसी, ये रीनेम कर दिया उसको नाम ही करें, तो आपको याद है यहाँ उधर हमने क्या नाम रखा था कार्ड रिड्यूसर, ये फिर इसका नाम इधर सेम कर लें, और ये कार्ड रिड्यूसर कौन सा ले रहा है, चलो इसको कॉपी करें और इधर करते हैं पेस्ट। चलो अच्छा ये रीनेम कर रहा हूँ मैं, ये पता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसमें फर्क, ये जब मैं इसको कॉल कर रहा हूँ देखिए मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहा हूँ इसको, ये देखो इसलिए मैं इसको रीनेम कर रहा हूँ रन टाइम पे, ताकि वो स्लाइस करूंगा ना तो आप कहेंगे पता नहीं क्या नाम इसका आपने रखा हुआ था उधर आई थिंक, या कार्ड रख लें जो भी, या ऑल कार्ड रख लें जो मर्जी रीनेम कर दें, अब आपका डाटा सारा इसमें आ गया, इसको यू सेलेक्टर के थ्रू बाकी निकालने का वही तरीका है, जहां पे कॉल करना है यू सेलेक्टर कॉल करें, बाकी सारा सेम प्रोसीजर, स्टोर पे जाएं और इसको एक्सपोर्ट कर दें, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट स्टोर लें क्रिएटिंग स्टोर एंड इंटीग्रेटिंग विद कार्ड स्लाइड लें,
अब सिंपल आपका स्टोर बन चुका है, इसको इंटीग्रेट इधर कैसे करते हैं आप ये भी आपको पता है, प्रोवाइड करना है तो उसको प्रोवाइड कर दें, प्रोवाइडर ले लें, और दूसरा स्टोर लेना है तो स्टोर भी ले लें, प्रोवाइडर में स्टोर प्रोवाइड करवा दें आप, ये लें प्रोवाइडर के अंदर स्टोर, यहाँ पे इसको एज प्रॉप्स दे दें, ये लें। ये कौन सा स्टोर ले रहा हूँ, ये ठीक है मेरा, ओके नो वरी। यहाँ पे अब एक नई एक्सटेंशन इसकी आ गई है, उसको कहते हैं रिएक्ट डेव टूल एक्सटेंशन, रिएक्ट डेव टूल एक्सटेंशन, ये क्रोम के अंदर आप कर ले इंस्टॉल। इसका ये फायदा होता है कि आप अपनी स्टेट को डीबग कर सकते हैं ब्राउजर के अंदर, कि आपकी स्टेट में डाटा कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका है और उसके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, लेकिन ये किसने की हुई है, रिएक्ट डेवलपर टूल्स। इसका फायदा क्या, आप इसके थ्रू आप अपने स्टोर को देख सकते हैं कि स्टेट में अपडेट क्या है, जैसे मेरा स्टोर एक्टिवेट होगा इधर कंपोनेंट्स का एक बन जाता है फोल्डर, वैसे बना क्यों नहीं ये उसको इधर देख लें यार, इधर राइट क्लिक कर लेंगे, रिएक्ट इनेबल इधर है वो प्रोसेसर ये तो नहीं है, मेरा किसी ने डिसेबल कर दिया था, लेट सी इसको जाते हैं यहाँ पे फिर करते हैं इंस्पेक्ट। अच्छा वैसे इधर ही आ जाता है, नहीं हुआ अभी, चलो भाई वो खुद ही आ जाएगा, एक दो दफा स्टोर करते हैं, ये अब क्या रोला दे रहे हैं, द स्लाइस रिड्यूसर फॉर की ऑल रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग द स्टेट पार्ट अनडिफाइंड यू मस्ट बी रिटर्न द इनिशियल स्टेट। अच्छा वो कह रहा है जनाब इनिशियल स्टेट के अंदर कुछ ना कुछ देंगे, ओके इनिशियल स्टेट के अंदर क्या दें इसको, इसको फिर एबीसी दे देते हैं, ये लें अब ठीक है ऑल कॉल। अच्छा ऑल असल में किसी जगह ये कॉल हुआ होना है, क्योंकि तो मैंने कुछ फाइल उठाई है ना, बहरहाल ये सेटअप यही है, इसको जोड़ें गोली मारें, ये सेटअप, इसमें पहले तो कोई कंफ्यूजन है ये पूछें, बाकी अब मैं कल वाली आपके सामने फाइल खोलूंगा, इधर आपने वो सेम लॉजिक लगा दी, इंक्रीमेंट पे लगानी है तो आपने क्या पढ़ा है, अगर जैसे ही आप ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करें ऑल कार्ट ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, क्या कह रहा है ऑल कार्ड्स वो दिया हमने स्टोर के अंदर, नहीं देता जी, अब क्या मसला है, अब ठीक है ऑर्डर डिफरेंट अनडिफाइंड वैल्यू है, दी स्लाइस रिड्यूसर फॉर की कार्ड रिड्यूसर, इधर गलत तो नहीं कर रहे कार्ड स्लाइस के अंदर, कॉपी किया इसको पेस्ट किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिड्यूसर स्टोर के अंदर नाम दे दें कार्ड स्लाइस ही, चलो दे देंगे, और रिड्यूसर में इसको रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग एनी एक्सप्लिसिटली यू मस्ट एक्सप्लिसिटली रिटर्न द इनिशियल स्टेट,
अच्छा सर, मैंने हमने लॉजिक लॉजिक भी ना लिखी यहाँ पे, हमने मेरा खाली कर दिया। वो कहता कुछ ना कुछ रिटर्न करें इसके अंदर, आप ऐसा करें स्टेट डॉट कार्ड्स इज इक्वल टू डॉट 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 स्टेट डॉट कार्ड्स ही रिटर्न कर दें। चलो, और अब कार्ड स्लाइस फिर प्रॉब्लम दे रहा है, इफ यू वांट टू सेट ए वैल्यू फॉर दिस रिड्यूसर यू कैन यूज नल इंस्टेड ऑफ अनडिफाइंड। स्लाइस रिड्यूसर फॉर की कार्ड स्लाइस इनिशियल स्टेट को मसला दे रहा है अभी वो। इनिशियल स्टेट कह रहा है खाली नहीं होनी चाहिए, वो ये असल में कहना चाह रहा है। किसी जगह हमने यूज किया, किसी फाइल में यूज ना हुआ हो यार, किसी पेज में ना, होम पेज प्रोडक्ट्स या कंपोनेंट में मेरा कोई डाटा नैव बार में जाके देखें। रजिस्टर पे क्लिक कर रहे हैं, रजिस्टर लॉगिन। कोई फाइल ऐसी है जो अनकमेंटेड रह गई है, तो छोड़ दें। डाटा आ गया आजादी ऑफर फुटर, डाटा आ गया पेजेस में, हम दिखा किस पे रहे हैं, होम पेज मेन पेज प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट पेज पे तो सिंगल आ जाएंगी। डॉट 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 जब उस पर क्लिक करते हैं तो सिंगल बार पे साइड बार पे ठीक है प्रोडक्ट्स आ गया। नेम पेज मिशन स्टेट है, मिशन स्टेट चेंज हो सकता है मतलब कि नाम शब्द है वर्ड है हाँ तो स्पेलिंग गलत है, मैं तो क्लियर उसके स्पेलिंग गलत है। एक मिनट चेक करते हैं, मैं समझा नहीं। ये वाला वर्ड कह रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता वैसे, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, वो जो मर्जी, लेकिन यहाँ पे वो सेम पास होना चाहिए क्योंकि आपने ये वाली स्टेट अल्टीमेटली इसको मिल जाती है। और एक्शन डॉट पेलोड में जो भी डाटा उसकी कॉपी ले लो, डॉट 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 यहाँ पे इनिशियल स्टेट आ गई, नेम आ गया इनिशियल स्टेट रिड्यूसर, बस यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता इसमें। और इधर भी कुछ ना कुछ रिटर्न कर दे, रिमूव फ्रॉम कार्ट स्टेट स्टेट, इसके अंदर भी सेम ही फिलहाल कर दें। वो शायद इसलिए प्रॉब्लम बना रहा है कि वगैरह कोई ना कोई डाटा वगैरह दें। ठीक हो गया, ओके। वो हमने ना रिटर्न हेलो हेलो कर दिया था ना, वो कह रहा था कि कोई ना कोई डाटा दें, बेशक आप डमी पास कर दें। अब हमने प्रोडक्ट्स पे जाना है, प्रोडक्ट लिस्ट पे आ जाए, वैसे वो टूल इधर आ जाए ना तो आपको मैं इधर ही दिखा देता, ये आ गया कंपोनेंट्स के लिए। हाँ ठीक हो गया, इसको करें ये देखें जी, इस साइड पे इधर आ रहे हैं, ये वही आ रही कार्ड के अंदर, ये देखें ये बढ़िया। इसके अंदर अब आपने डाटा ऐड करना है, अब सेम स्टोरी आपकी जो आपने
पहले की है वो सेम रिपीट होगी। किस पे, ये कौन सा पेज है, प्रोडक्ट्स के पेज पे ये वाला डाटा पड़ा हुआ है, ये वाला, या आप इसको ऐड करा लें, या मेरे मेन पेज पे पता नहीं कोई डाटा पड़ा है उसको मैंने किया होगा ऐड, नहीं किस पेज को हम ये वाला डाटा कहाँ पे रेंडर कर रहे हैं, ये वाला, ये यही वाला डाटा ही है प्रोडक्ट डीबी। हाँ असल में इसमें हमें क्वांटिटी फिर ऐड करनी पड़ेगी वर्ड, यार ये टाइम बच जाएगा। चलो कल वाला डाटा उठा लेते हैं उसमें से जो कल बना के रखा हुआ, फिर हमें चेंजेस ना करनी पड़े। किधर आ जाए डाटा के अंदर, इसको ओपन विद सीएमडी करें, कोड स्पेस डॉट, और ये वाला डाटा है क्योंकि उसमें हमने वो क्वांटिटी श्वान्टिटी सेट कर दी हुई ना, देखें इसको कॉपी करें, बल्कि यहाँ से उठा लें एंड तक, आखिरी तक, यहाँ तक कॉपी कर लें और इधर आके एंड तक ले जाएं, यहाँ तक पेस्ट। चलो टेंशन ही सॉल्व, लो जी मसला सॉल्व। अब ये 3500 वगैरह रेट आ कहाँ पे रहे हैं ये देखना पड़ेगा अपन। इधर आए प्रोडक्ट्स के पेज पे जाएं, क्या कर रहे हैं वो, कहाँ पे रेंडर हो रहा है डाटा, कि वो डाटा कहाँ पे जा रहा है, उसका नाम है प्रोडक्ट डीबी लिस्ट प्रोडक्ट, लिस्ट प्रोडक्ट, इधर सर्च करने एक मिनट लगना है, ये आ गया लिस्ट प्रोडक्ट, ये लग रहा है, ये है साइड बार प्रोडक्ट्स, साइड बार पेज ये साइड बार आ गई, ये प्राइस आ गई, इसके नीचे कहीं ना कहीं मैप हुआ होना ना शायद, वो राइट साइड उधर बना हो नीचे भाई, ये आ गया लिस्ट, ओके ये बड़ा साइड बार के अंदर, ओके ये प्राइस आ गई, प्रोडक्ट डॉट टाइटल डॉट स्लाइस, लेकिन इस पे ऐड टू कार्ड तो हम कर ही नहीं रहे। अच्छा इधर आना, उसकी सिंगल डिटेल में चले जाएंगे, सिंगल प्रोडक्ट डिटेल, ये इधर आ जाएगा, बाय नाउ, बाय नाउ, ये ऐड टू कार्ड जिस पे मर्जी क्लिक कर ले, ये बटन बना हुआ है पहले ही, ये इस पे अब आपने एक्शन ट्रिगर कराना है, जब बटन पे क्लिक करें तो एक क्वांटिटी ऐड हो जाए उसी शॉपिंग कार्ड के अंदर। ये कैसे ऐड करेंगे, उसी तरह ऑन क्लिक करें, ये पढ़ लिया कल आपने, देखें ये बाकी सारा सेम प्रोसेस है। यहाँ पे मैं करता हूँ जी इंक्रीज क्वांटिटी, और इसको मैं दे के आ रहा हूँ डाटा प्रोडक्ट, इंक्रीज क्वांटिटी ऊपर जाएं, यहाँ पे इसका फंक्शन लिख लें इंक्रीजिंग क्वांटिटी, यहाँ पे कॉन्स्ट सेम आ गया, और इसको एक आप एलिमेंट पास करें, और इसको डिस्पैच भी अब हमें चाहिए, यूज डिस्पैच, यूज डिस्पैच, ये ले इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर ले डिस्पैच, ये और ये एक हुक की तरह काम करेगा, ये ले इसको इक्वल कर दें। मेथड इस पे कॉल क्या करना है, एक्शन पे डिस्पैच क्या करना है, ऐड टू कार्ट, ये एक एक्शन ट्रिगर हो गया। अब इस प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड टू कार्ट हो जाएगी, ये वाली प्रोडक्ट, इस पे जाता हूँ मैं, इसको करता हूँ, हमने लगाया बाय नाउ पे लगाया ना, वर्ड बाय नाउ पे, ठीक है इसको कमेंट करते हैं जाके, इस पे जाके क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप आ जाए कंपोनेंट, ये लें इसको करें बाय नाउ, Add to cart, action dot payload is not iterable, चले कोई बात नहीं इसको सेट कर लेते हैं। ये देखे स्टेट में एक चीज ऐड हो गई आपकी,
वो न्यू एंट्री हम गलत कर रहे हैं उसका हम देख लेते हैं, वो हमने लॉजिक गलत लगाई है। बाकी देखें प्रोडक्ट एक ऐड हो गया, एक प्रोडक्ट को आप कहते हैं ऐसे मल्टीपल नहीं बना सकते, उसके लिए आपको भी पता है कल हमने लॉजिक लिखी है वगैरह, यहाँ पे आपको वो सारी स्टोरी लिखनी पड़ेगी कि पहले आप क्या करें, स्टेट डॉट कार्ड्स के अंदर जाके उसका फाइंड इंडेक्स करें, अगर तो इंडेक्स मौजूद हो तो एक आपके पास जो आइटम आएगी उस आइटम की अगर आईडी मैच करती है एक्शन डॉट पे लोड की आईडी से तो इसे एक वेरिएबल में स्टोर कर लें, पोस्ट आइटम इंडेक्स। चलो ये वाला कह रहा था बेसिकली वो काम करने के लिए, इफ आइटम इंडेक्स ग्रेटर देन हो जीरो से तो क्या करना है, तो स्टेट डॉट कार्ड्स के उसी आइटम इंडेक्स जाके क्वांटिटी के अंदर प्लस वन कर दो, ये लो। अदरवाइज क्या करें, एक वेरिएबल है लेट न्यू एंट्री, इसके अंदर जो आपका एक्शन डॉट पे लोड में डाटा आ रहा है ना, एक्शन डॉट पे लोड में जो डाटा आ रहा है, अदरवाइज अगर पहले ऐड नहीं है तो उसकी क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट वन कर दे। ये स्टोरी, ये कल वाला कोड अब आपका आ गया इधर, और यहां पे आप पास कर दे न्यू एंट्री करें बेसिकली, अब इधर तीनों की तीनों सेम लॉजिक होंगी, बल्कि अब आपको हमने जो पहले दिन हमने वो जो मिस्टेक आ रही थी ना वो ये थी कि हमने रिडक्स के अंदर हमें इसको रिटर्न भी करना पड़ता है, आपको कल याद होगा, यहाँ पे हमने इसको अगर रिडक्स में करेंगे तो पहले आपको डॉट 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 स्टेट की कॉपी रिटर्न करना पड़ती है, उसके बाद फिर कार्ड्स के अंदर जाके वही वाला स्टेट डॉट कार्ड्स पास करना पड़ता है, जबकि अगर आप ऑलरेडी टूल किट के अंदर हैं तो पहले ही रिड्यूसर और एक्शन सब कुछ इसी के एक के अंदर ही है, वो ऑटोमेटिक ये देखें कार्ड्स के अंदर उसकी प्लस माइनस हो रहा है, सो इसमें आपका कोड वैसे भी रिड्यूस हो जाता है, ये कोड ही आपका रिड्यूस हो गया, ये ऐड किया। अब मैं फर्ज करें कोई और प्रोडक्ट पे जाता हूँ, ये प्रोडक्ट जाता हूँ, बाय नाउ किया, अब अच्छा वो ऐड होते जा रहे हैं वो नजर क्यों नहीं आ रहे, भाई अभी उधर यू सेलेक्टर यूज ही नहीं किया ना लेंथ लगाया है, उधर थोड़ी शो होंगे, वो तो मैंने वैसे डमी दिया हुआ है, डेटा आपका ऐड हो रहा है, यार एक तो ये इनके ब्राउजरों की नहीं मुझे समझ आती, कभी वो आ जाता है कभी गायब हो जाता है, ये हाँ इधर आ रहे हैं जी, ये डिस्पैच आपने कह रही है एक्शन डिस्पैच हो रहा है आपका, अच्छा वो अभी हम इस पेज पे है ना, हमने वो डाटा अब इकट्ठा कर नहीं रहे, ये मैचेस वाला देखे ना वो मैच करता है, ये देखिए ये मैच कर रहा है, जहाँ पे प्रोडक्ट होगी उसी का फिर वो राउट जाके ये देखें दूसरी आई डी आ गई, ये स्टोर में आगे उसका कॉन्टेक्स्ट आ गया। अब इसकी अगर आपने लेंथ शो करानी है इसमें इस नैब बार के अंदर इधर, तो ये भी आपने पढ़ी ली है, ये कहाँ पे बना होगा, शॉपिंग कार्ट नैब बार के अंदर होगा, तो कंपोनेंट्स में जाएं नैब बार के अंदर यहाँ कहीं ना कहीं होगा, ये पड़ा है, इसके अंदर अब डाटा निकालना है क्या तरीका है वो भी आपने पढ़ा है कल यू सेलेक्टर, बाकी सेम प्रोसेस है, असल उसकी इंटीग्रेशन जो मैंने करवानी थी ना वो ये है कार्ड स्लाइस और स्टोर, बाकी सेम प्रोसीजर है, मैंने डाटा निकालना है यू सेलेक्टर, ये देखें इसको मैं एक यहाँ पे ये एक स्टेट में मेरे पास जो डाटा पड़ा है वो स्टेट के अंदर कहाँ पे पड़ा है इधर जाए ये पड़ा है कार्ड स्लाइस, यार यहाँ पे यार इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर ले, लेट रिजल्ट, ये
और इसको कंसोल डॉट लॉग पहले करके देखें, कंसोल डॉट लॉग और डेटा इन नेवबार। असल में ना ये बेहतर होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप अगर उसको ना चेक करते जाए ना, तो आपको ये पता चल जाता है कि आपका डाटा कहाँ तक पहुंच चुका है। बार दफा उस दिन ही पहले दिन भी यही मसला आ रहा था, याद होगा एक्शन में भी डाटा जा रहा था रिड्यूसर तक आ रहा था, रिड्यूसर से आगे यहाँ तक नहीं आ रहा था। सो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चेक करते रहे ना, तो वो ज्यादा आपके लिए आसानी हो जाती है। ले नहीं, ओके, इसको ऐड करते हैं, प्रोडक्ट्स में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं बाय नाउ, इसको ऐड इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे जाते हैं, डेटा इन नेवबार, एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, तीन जिसमें एबीसी पहले पड़ी हुई है और ये कुछ डाटा हमने जो पहले ऐड किया था, लेंथ कितनी हो चुकी है 6, ये मेरा ला हमने हार्ड कोडेड दिया था चेक करने के लिए एबीसी, ये वो भी देखें शो हो रहा है आप। सो पहले ये एबीसी तो खाली करें ना, जो कार्ड स्लाइस हुई हमने उस वक्त वेरिफिकेशन के लिए देखा था, ये तो फारक करें ना। अच्छा, वो ब्राउजर में भी इनका ना प्रॉब्लम है, यानी कार्ड्स में डाटा आपका आ रहा है, कार्ट एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एक अरे बनी है। ओके, तो ये वही वाला काम सेम करें, अगर मैं कार्ड्स को ही डिस्ट्रक्चर कर लूं यहाँ पे, तो अब कार्ड्स डायरेक्ट आ जाएगा मुझे, और नीचे आके कार्ड्स की लेंथ शो कर दें यहाँ पे, इस जगह कर दें कार्ड्स डॉट लेंथ, चलो कंट्रोल एस, इधर आए, इसको बंद करें, रिफ्रेश, यार इधर घूम रहा है, नहीं इस पे नहीं लगाया हुआ, फिल्टर वाले पे नहीं, इन पे लगा हुआ है। बाय नाउ एक ऐड हो गया, इस पे क्लिक करते हैं, बाय नाउ टू हो गए, इस पे क्लिक करें, बाय नाउ थ्री हो गए, अगर मैं दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ, फिर क्लिक करता हूँ, उनकी क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पे शो नहीं होगा, यहाँ पे एक होगा लेकिन उसकी एक्चुअल क्वांटिटी तीन हो चुकी है या दो जितनी दफा आपने उसको ऐड किया। इधर आए, कंसोल पे चेक करें, यार इसका कंसोल भी ना, ये देखिए ये एक ऑब्जेक्ट आ गया, ये यहाँ पे आ गया आपका डाटा, इसकी लेंथ तीन हो चुकी है, ये आ गया डाटा। अब अगर इनकी क्वांटिटी फर्दर देखें, ये देखें क्वांटिटी टू होगी, ये देखें, और अगर अगले लेवल पे जाएं, बल्कि अगले तक तो हमने दो दफा ही किया है, ये देखें ये इधर आ रहा है नया बार, अब यहाँ पे इसकी क्वांटिटी चेक करें, ये देखें तीन, क्योंकि उसी की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो उसका नंबर ऑफ लेंथ नहीं बढ़ेगी, लेंथ यही रहेगी। अब यहां से डाटा कैसे निकालना है, ये भी आपने कल कर लिया, पहले कार्ड से डाटा निकालें और उस पर सिंपल मैप लगा दें, आधा टेबल इधर शो कर लें और कार्ड समरी इधर शो कर लें, कल जो हमने किया था प्रोसेस, क्योंकि डाटा ही निकालना है ना, कार्ड डिटेल में आगे यहाँ पे डाटा शो कराना है, तो आप इसको देख सकते हैं, बेशक फिलहाल नाम ही लिखने हैं, तो हम इसको कार्ड डिटेल, कौन सा पेज हमने बनाया, पेज ये कौन सा वैसे खुल रहा है पेज, इस पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये कौन सा आता है, कार्ड डिटेल, ये कौन सा रहा होगा, कार्ड डिटेल, होम पे जाए, ये कौन सा राउट है भाई, यहाँ पे आप एक सिंपल करें भी, नया पेज बना रहे हैं, ये बहुत दिन लग रहे हैं जी, मैं कहता हूँ जी कार्ट डॉट जे एस, ये ले, इस पे जब क्लिक करें तो ये वाला कंपोनेंट खोल जाए पेज कार्ट, तो इसको कार्ड डिटेल पेज कह रहे हैं, कार्ड डिटेल पेज, इसका राउट बना दें आप एक लहदा, जब नैब बार पे करें क्लिक, इस शॉपिंग कार्ड के ऊपर करें क्लिक, तो चला जाए कार्ड के ऊपर, और कार्ड के लिए मैं एक नैब बार बना देता हूँ, यहाँ पे कार्ड का एक राउट बना देते हैं हम, ये ले यहाँ पे कार्ड बना दें, और इधर उसका कंपोनेंट भी दे दें कार्ड,
ये ले ऊपर आ गया कार्ड, कहीं ना कहीं आ गया, लेकिन ये कंपोनेंट हमने गलत बना दिया, स्मॉल बना दिया। चलो खैर एरर ही ना दे दे, वो कंपोनेंट बेसिकली कैपिटल वर्ड में रखते हैं, ये कार्ड पे आ गया। लेकिन ये नीचे वो हेडिंग क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही हेडिंग? होम पेज पे जाएं, मेन पेज पे जाएं, इधर ही कोई चक्कर होना है। मेन प्रोडक्ट्स आजादी ऑफर, ये मेन पेज आ गया, स्लाइडर के बाद आजादी ऑफर, ये मेन पेज में क्या दिखा रहे हैं? वैसे मैं यहाँ पे जाके अगर इसको करें भैया, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हमने क्लारा पा दिया। सिंगल प्रोडक्ट पेज, साइड बार, पता नहीं कितने पेज बने हुए हैं। इससे आगे भाई वो सेम प्रोसेस होगा, मैं आपको बता देता हूँ, इसको अपने हिसाब से करें आप। मैं अभी इतना दिमाग सुबह सुबह ना पा रहा हूँ, तो मेरा क्या बनेगा कुछ सोचें। यहाँ पे अब इसमें से डाटा कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? यू सिलेक्टर पे, यू सिलेक्टर आ गया, इसको कॉन्स्ट कर दें किसी वेरिएबल में स्टोर, और उसको बल्कि डायरेक्टली डिस्ट्रक्टेड कर लें कार्ड्स। ये इसका आपको डाटा मिलेगा स्टेट में, और स्टेट के अंदर आपका डाटा पड़ा होगा स्टोर में, जो भी नाम दिया इसके अंदर। ये ले, अब आपने सिंपल काम क्या करना है, इस पे मैप लगा देना, दैट्स इट, इस पे मैप लगाना है। इससे अगला प्रोसीजर आपका वो टोटल सेम ही है। और बाकी रही बात आपकी कार्ड स्लाइस की, सिंगल प्रोडक्ट की, वो बाकी सेम लॉजिक है। इधर आए कार्ड स्लाइस में, यहाँ पे आपने रिमूव वन बाय वन करना है, तो इधर भी आपने सेम ही करना है। पहले उसका इंडेक्स आइटम फाइंड कर लें। अगर मैं देखता हूँ स्टेट डॉट कार्ड्स डॉट फाइंड इंडेक्स, अगर मिल जाता है आइटम का आइटम डॉट आईडी अगर इक्वल है आने वाले एक्शन डॉट पे लोड की आईडी से, तो इसको मैं कह देता हूँ जी लेट आइटम डिक्रीज क्वांटिटी, वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। और इफ आइटम डिक्रीज नहीं, स्टेट डॉट कार्ड के अंदर उसका इंडेक्स मुझे चाहिए, उसी आइटम की अगर क्वांटिटी ग्रेटर देन वन हो तो क्या करो? तो सिंपल आप कर दो, ये जो हमने ऊपर जमा किया इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे इसको ये वाला कॉपी करके इसको माइनस कर देंगे, ये आपकी माइनस की लॉजिक। इसमें काम है कोड, उसमें थोड़ा सा ज्यादा है। अब नीचे वो रिटर्न ही नहीं करना डॉट डॉट स्टेट, जरूरत ही नहीं है। एम्प्टी तो वैसे ही एम्प्टी भाई, स्टेट डॉट कार्ड्स पे जब क्लिक करो एम्प्टी का वो वैसे ही खाली हो जाए, बाकी तीनों लॉजिक सेम है। पर जितनी मर्जी लिखें, असल काम जो समझने वाला है ना वो ये है कि आपने स्लाइस कैसे बनानी है, ये असल समझने वाला काम। स्लाइस बनानी है, स्लाइस तीन चीजें लेगा, एक तो आप नाम देंगे उसके, इनिशियल स्टेट और रिड्यूसर। रिड्यूसर में एक्शन भी रन टाइम पे तीनों पास होंगे, एक्शन भी उसी के अंदर है, रिड्यूसर भी उसी के अंदर है। इनको एक्सपोर्ट कर दें और स्टोर के हवाले कर दें, ये देखें टोटली एक असल ये की फाइल बनी है। ये तो स्टोर ही है ना, स्टोर तो बनाना ही बनाना है, उसमें भी बनना ही बनना है। आप कितनी चीजें मिक्स होगी, अब आप खुद सोचें, अगर आपको एक्शन का ही ना पता हो, मैं डायरेक्ट इधर एक्शन समझाने की कोशिश भी करूँ ना तो बिल्कुल ही नहीं समझ आनी। ऐड टू कार्ड का अगर आपको पता होगा ना एक्शन होता क्या है और इसको ट्रिगर कैसे करना है, तो इधर चाहे आप 20 बना दो। इसलिए पहले दिन मैं आपको कहा था कि टूल किट ऐसे समझ नहीं आनी, पहले आप ये वाला फ्लो देखें। और नेक्स्ट वीक
तो बचेगा शायद टाइम बाजे, नहीं बचेगा कैसे, 4 तारीख है। या तो फिर आप अगर नेक्स्ट डिस्प्ले में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो 11 तारीख है, 11 तक अगर आप बना लेते हैं तो 11 को आप पेश हो। फिर मैंने आपको बताया था कि आप नेक्स्ट ग्रैंड सेरेमनी आ रही जनवरी में, उस पर काफ़ी कंपनी जाएंगे, तो आप जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप फिर और 6 महीने डिले हो जाएगा। एक तो ये चॉइस है, अगर ये इतनी चॉइस है तो फिर आप अपने प्रोजेक्ट को थोड़ा सा एक्सटेंड करें, उसमें फीचर्स और ऐड करें, उसमें आप चैट ऐप इंटीग्रेट करें, वीडियो स्ट्रीमिंग ऐड करें, उसके अलावा उसकी ज़रा लुक थोड़ी सी उसमें टेलविंड जैसी लाइब्रेरीज ऐड करें, और ऑथेंटिकेशन के लिए कम से कम 2-3 डैशबोर्ड अलग बना के दें, कि यूज़र को अलग डैशबोर्ड बना के दें, LMS टाइप का, हाँ एडमिन का अलग बना के दें, और एक एम्प्लॉई है उसके लिए अलग डैशबोर्ड बाकी बने हुए। और डैशबोर्ड बनाने में टोटल आपके 2 घंटे लगते हैं। उसकी वजह ये है, ये क्या कह रहे हैं, अच्छा वो हमने वो खाली लिखा होना है ना, उस पे कार्ड्स पे जाएं, कार्ड्स कार्ड 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 कार्ड, इसको वैसे ही कमेंट करने भी के लिए। ये देखें आपने पता है क्या करना है, बेशक बूटस्ट्रैप के ले रहे हैं, बूटस्ट्रैप एडमिन डैशबोर्ड फ्री डाउनलोड, और बड़े मजे मजे के डैशबोर्ड हैं इनके जो फ्री मिलते हैं। अब आप इसको रिएक्ट में कन्वर्ट करना, मेरा ख्याल है आपको ये समझाने की जरूरत नहीं कि इसको JSX फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करना है। कोई भी अगर आपको डैशबोर्ड पसंद आता है, ये ठीक है, चलो ये ले लें, ये तो कितना मजे का, इसका जरा ऐसा खुद बनाना चाहें तो हमें अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। उसकी बजाय यहाँ पे आप क्लिक करें यूजर प्रोफाइल पे, और इधर वो फॉर्म आ गया, और इधर यूजर की लिस्ट दिखा दें, वो भी हमने लॉजिक पढ़ी हुई है डाटा गेट करने की लॉजिक। अब आपने सारी पढ़ ली, इसको डेटाबेस में स्टोर करना है तो पोस्ट का मेथड काम आ जाएगा, गेट करना है तो फाइंड का मेथड काम आ जाएगा, और इधर आप उनके क्रेडेंशियल दे दें, कोई और चीज़ को ऐड करनी है, ये देखना फैंसी उसका बना, और इधर लॉग इन लॉग आउट का बटन है, जैसे ही लॉग आउट करें स्टेट क्लियर करें तो वो आपको डाइवर्ट कर दे किसी पेज पे, लॉग इन पेज पे भेज दें उसको, जिस मर्जी पेज पे नेविगेट करवा दें। ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज होता है ये वाला भी, ये बल्कि मैं जब रिएक्ट स्टार्ट स्टार्ट में इसको मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था इस टेम्पलेट को। इसमें यह कि इसमें पेज भी मिले हैं, देखें ऑथेंटिकेशन लॉग इन और रजिस्टर के भी उन्होंने बना के दिए हैं, देखें सिर्फ हमने वो इवेंट और टारगेट और वैल्यू से डाटा ही स्टोर करना है, ये रजिस्टर आ गया, सिर्फ डाटा पोस्ट करना है, और ये ऑथेंटिकेशन भी उसमें आ गई, देखें ये स्टैटिक आ गए हैं, ये डैशबोर्ड आ गए, इसमें रिजल्ट दिखा रहे हैं, इस पे क्लिक करें तो यूजर की लिस्ट आ जाए, इस पे करें तो प्रोडक्ट्स आ जाए, इस पे क्लिक करें तो कितने ऑर्डर आए हैं, और वो आपकी चॉइस है ना इसको यूटिलाइज कैसे करना है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस पे क्यों टाइम, मतलब इस चीज पे यूआई पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, असल काम है कि इन पे क्लिक करें तो डाटा लेके कैसे आना है, ये टेबल में डाटा का कैसे आए, इधर सर्च करूं तो साथ साथ डाटा नीचे सॉर्ट हो रही है, देखें अरे उसने करके भी दिया हुआ है, देखें ये वाला काम आप लोगों की करने वाला है। ये नहीं कि आप कहेंगे जनाब मैंने ये डैशबोर्ड बनाना सीखना है, तो सीख लें जब टाइम हो, आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो रिएक्ट की स्टेज पे आके आप कहेंगे ये डैशबोर्ड ये बूटस्ट्रैप से बना हुआ है, टोटली बूटस्ट्रैप और CSS है, ये बना सकते हैं कोई मसला नहीं है, या खुद बनाना चाहें तो आपको 2-3 दिन लग जाएंगे, आपको उसका पूरा फ्लो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये फोर देखो ना उसने पेज ही बना के, अगर वो कोई और इररेलेवेंट राउट करता है तो उसको ये एरर भी बना के दे गए दी हुई है, इस पे नेविगेट, ये आपका टाइम बचाती हैं चीज़ें। इन डैशबोर्ड को यूज करें, और अपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं ना रिएक्ट के वो इस पे अप्लाई करें। जी सर, हाँ
नेविगेटर रोटिंग के मेथड आपके पास अवेलेबल है, तो क्या आप एच रेफ तो नहीं यूज करें? अगर एच रेफ करें तो फिर रिएक्ट पढ़ने का क्या फायदा? तो फिर लोडिंग वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ज्यादा नहीं, छोटे मोटे पर्सन जिसने ये उनको फायदा होता है, जिसने प्रोजेक्ट खुद बनाया होना उसको आइडिया होता है, जिसने कॉपी पेस्ट किया है उसे फोल्डर ढूंढने में मसला आएगा। और कोशिश करें बेशक छोटा बना लें, लेकिन कोड ए टू जी खुद लिखें। प्रोजेक्ट बनाएगा ना तो फाइल ढूंढना आसान होता है। वैसे मैं पैटर्न ही अपनी क्लासों में ऐसे सिखाता हूँ कि अगर आपने खुदा ना आता प्रोजेक्ट ले भी लिया ना, मैं प्रोफेशनल अप्रोच ही ऐसी करवाता हूँ जो ओवरऑल आपको फोल्डर स्ट्रक्चर इंटरनेशनली यही मिलेगा, वर्ल्ड वाइड 90+ फोल्डर स्ट्रक्चर यही होगा, चाहे जिस मर्जी में लगा डाटा ले, आपको फोल्डर देख के याद आता प्रोजेक्ट समझ आ जाएगा। लेकिन फिर भी लॉजिक तो आपको पता होना चाहिए। चेक कौन करता है जो जजेज आते हैं? पहले प्रोजेक्ट आपने मुझे सबमिट कराना है, पहले तो मैं अप्रूव करूंगा कि आपको प्रोजेक्ट किस काबिल भी है कि वो डिस्प्ले में भेजा जाए। अगर पहले तो मैं कई प्रोजेक्ट रिजेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ कि यार 10-20 दिन इस पर मजीद काम करें। और कई दफ़ा ऐसे होता है, मतलब आपने बिल्कुल ही मुझे सिर्फ चक्कर देने के लिए कुछ रन टाइम पर रात को कॉपी पेस्ट किया, मैं पता नहीं कितने अरसे से ऐसे थाउजेंड्स प्रोजेक्ट्स चेक करते हैं चीज़ों के, मुझे कोड देख के समझ आ जाती कि ये आपने खुद लिखा है या नेट से उठाया, क्योंकि आपकी अभी कोडिंग लिखने की टेक्निक इतनी नीट क्लीन नहीं है। जो है डिज़ाइन पैटर्न है, कोड लिखने के लहदा लहदा डिज़ाइन पैटर्न है, और अगर इतना आपने वेल अलाइंड कोड लिखा हो तो 100% मुझे पता चल जाएगा। और ख़ास करके मिसाल आप देखें ना, मैं अगर कहूँ मैं इंक्रीज करना है, तो मैं इंक्रीज का अगर हैंडलर बनाना, मैं बनाऊंगा इंक्रीज क्वांटिटी हैंडलर, मैं ये फंक्शन बनाऊंगा अगर मैंने सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करनी है। अगर मैं क्लाइंट के लिए प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल नाम ऐसे रखूंगा। आप लोगों ने पता क्या रखा होगा? INC, या किसी ने रखा होगा ABC, या किसी ने रखा होगा इंक्रीज। अगर आपने इस तरह का नाम रखा है तो ये कॉशियस चीज है कि ये कोई प्रोफेशनल डेवलपर ने बनाया है। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नोट करते हैं, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि आपने कॉपी किया पेस्ट किया। ये चीज आती है 2-3 साल बाद इन चीजों पे आपको ब्रीकियों की समझ आती है कि कोड के इंडेक्स क्या है। अभी हमने कभी इस चीज में मैंने आपको लेक्चर नहीं दिया कि आप फालतू कोड लिख रहे हैं, मैंने अभी उस चीज पे कभी नहीं ध्यान दिया। मैं कहता हूँ एक दफा पहले तो मसला को सॉल्व करें ना, पहले प्रॉब्लम सॉल्व करनी सीखें, चाहे आपको 10,000 लाइनों का कोड लिखना पड़े। आप पहले दिन ही कहेंगे ना कि शॉर्ट लॉजिक से कोड लिख दूं, ना लॉजिक क्लियर होनी है ना कोड क्लियर होनी। पहला मेन मुद्दा है कि आपने कार्ड में डाटा ऐड करना सीखना है। अब इसको जितने तरीकों से मर्जी रिड्यूस कर लें, इसको जितना मर्जी सिंप्लीफाई कर लें, ये एक एक लाइन में कोड होता जाएगा, एक एक लाइन में। वो मैंने जो फाइंड इंडेक्स वाला लिया, एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ही उसको उसके ऊपर तो मैं टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकता था। मैंने एक वेरिएबल में स्टोर किया है इंडेक्स, मैं उधर ही एक टर्नरी ऑपरेटर रन टाइम पे लगा सकता हूँ और 2 लाइनें कोड और बच गया। सबमिट करा के मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लोग हैं इनका प्रोजेक्ट क्लियर हो चुका मेरी तरफ से। अब आपने 11 तारीख को जो टाउन में पेश होना है विद लैपटॉप, वहां पे टीम आपकी तरह मुख्तलिफ मुल्कों से यानी मुख्तलिफ बैचों से लोग आए होंगे, कोई बिलाल साहब के, कोई रशीद साहब के, कोई सहेल साहब के, अरसलान साहब के, कोई 5-10 इसके, वहां पे क्राउड होगा, कोई 70-80 लोग वहां पे आए होंगे उस दिन, मुख्तलिफ डोमेन्स के, मोबाइल के भी आए होंगे, वेब के भी आए होंगे, PHP के भी होंगे, मर्न के भी होंगे, उसमें आप भी शमूलियत अख्तियार करेंगे। 1 by 1 आपकी लिस्ट बनी होती है, नाम कॉल करते हैं जी फलां बंदा आए, आपने LED पे उधर बैठ जाना, मैं इधर बैठा होगा, 2 जज बैठे होंगे, आप जी शुरू करेंगे, माइक शाइक लगे, आपकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। यूट्यूब आपने मेरा कभी पेज नहीं देखा PNY का, देखें उस पे सवाल जवाब वाला, मैं नहीं बात अभी कर ही नहीं रहा सवाल जवाब वाली, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो प्रोजेक्ट डिस्प्ले है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि हम डिस्प्ले लेते कैसे हैं। वो 1-2 मिनट की वीडियो देख ले, PNY का पेज देखे खुद ही समझ आ जाएगी, PNY ग्रुप का पेज देखे आपको सारा समझ आ जाएगा, उस पे डेली 2-3 अपलोड हुए होते हैं। सेम आपने उसी तरह डिमॉन्स्ट्रेट करना है, बाद में एंड टाइम पे एक ग्रुप गैदरिंग होती है, जो गेस्ट आते हैं उनको, उसमें से जो बच्चे गेस्ट आते हैं अगर वो अच्छी कंपनीज को हो तो वहाँ पे बच्चे हायर भी होते हैं मौके पे,
कई बच्चों की जॉब्स होती है। अगर कोई कंपनी का ऐसा सीईओ आ गया जिसको डेवलपर की जरूरत है, उसको किसी का अच्छा प्रोजेक्ट लगा, उधर से बच्चे ले भी जाते हैं, उसको ऑफर कर देते हैं यार आप एज स्टार्टिंग के तौर पे। और कई बच्चे हमारे ऐसे डिस्प्ले में हो गए हायर, कईयों ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं, तो वो जाते जाते हैं उनको वाकई एक सीईओ या डायरेक्टर आ गया, उसको जरूरत भी है, वो कहता है यार ये अभी स्टार्ट में इसको ग्रैब कर ली, अभी तो ये 20-25 हज़ार रुपये मान जाएगा, बाद में इसने भी हाथ दिया था, तो वहां से वो बच्चे हायर भी कर लेते हैं। ये भी प्रोसेस होता है, एंड में बिरयानी, एंड में 6 बजे जब प्रोजेक्ट खत्म होगा तो उसके बाद जो भी सीजन चल रहा हो उसके अकॉर्डिंगली आपकी वो दावत शराज की जाती है। दावत शराज का पता है, इस दावत शराज का पता है, दावत शराज को समझाएं वेले बैठ। आप क्या कह रहे हैं? कह रहा है कोई भी प्रोजेक्ट है कंसोल के अंदर पता चल जाता है कि इसके अंदर बैकएंड का भी काम हो रहा है, काम कुछ हो रहा है। डेटा जो आ रहा है जनाब, आप वो आपसे कहेगा मुझे एपीआई दिखाओ, जो डेटा लेके आ रहे हैं कहाँ से लेके आ रहे हैं, फॉरन ही कहेगा एपीआई दिखाओ, एपीआई पे आपका पाथ नहीं लिखा होता लोकल और स्टेट 1000। जो जज होते हैं वो बच्चे नहीं होते, उनका 18-18, 20-20 साल एक्सपीरियंस होता है। सबसे बड़ी बात है मैं खुद डिस्प्ले में बैठा होता हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ मुझे नहीं पता होता कि डेटा का फ्लो क्या है, डेटा आ कैसे रहा, वो तो एक सेकेंड में पता चले, वैसे ना भी मुझे पता, मैं कहूँगा यार बताओ डेटा लेके कैसे आ रहे हो, आपकी एपीआई देख के समझ आ जाएगी मुझे कि आपने खुद बनाई है या आप हार्ड कोडेड को फेक एपीआई से डाटा लेके आ रहे हो। खुद बनाई होगी तो आपका बैकएंड का सर्वर भी साथ चल रहा होगा। फिर मोंगोडीबी में मैं कह सकता हूँ मुझे एक एंट्री लाइव करके दिखाओ कि आपका डाटा वाकई डेटाबेस में रियल टाइम पे जा रहा है या आपने सिर्फ हार्ड कोडेड डाटा दिखाया हुआ है। वो कह रहे थे यार एक यूजर बना के दिखाओ, जैसे मैंने कहा यार ये यूजर डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई एंट्री करवा दे दें। वो आपने आपको टाइम दिया जाता है, आपको अनाउंसमेंट से पहले बता देते हैं कि आप फलान नंबर नेक्स्ट बंदे का आना है, तो वेल बिफोर टाइम आपको कम्युनिकेट किया जाता है कि अब आपका नंबर है, लैपटॉप और ये चीज़ें रेडी रखेंगे, इधर आके बना नहीं बुलगाना। और बाद अगर कोई मसला है तो फिर टाइम दे देते हैं नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लेते हैं। बाद अब मौके पर होता चार्जिंग खत्म होगी, नेट डिस्कनेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट अच्छा खासा चल रहा था, वो हाथ ऐसे को मार बैठे तो फाइलें आगे पीछे होगी, तो फिर उसको टाइम देते हैं तसली से ठीक करें। वहाँ पे आपको बताया 70-80 बच्चा आया होता है, खाली वेब नहीं, फ्रंट एंड भी होते हैं, बैक एंड भी हैं, फुल स्टैक भी हैं, मोबाइल डेवलपर भी हैं, नेटिव के भी होते हैं, फ्लटर के भी होते हैं, डिफरेंट डोमेन्स के होते हैं, पावर बीआई के बच्चे भी, ये सारे डोमेन्स मेरे अंडर हैं। तो जो सारी डोमेन्स हैं वो मेरा डिस्प्ले एक दिन ही होता है, मेरे को तकरीबन 32 से 35 डिफरेंट डोमेन्स हैं, उनको सुपरवाइज मैंने करना होता है, जो जज जाने हैं, जो आप लोगों ने जाना है, उनका सारी प्लानिंग, उनको उस टीम का सारा निजाम मेरे पास होगा। वो भी मैं रख देता हूँ, अपडेट आपको ना करके उसके अंदर आ देता हूँ। डेस्क शॉपिंग और टीम दिन फ्री डेस्क अच्छा, उसके पहले ना एक इसमें ये ना करें फिर, या तो सारे 11 को जमा करा दें या फिर सारे लेट कर दें। अच्छा आप हाँ, मतलब ये नहीं कि 2-4 करवा दें, वो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैं फिर एक पूरे का पूरा बैच या तो इन क्यू लगा दूंगा, मुझे कोई मुझे दोनों में कोई मसला नहीं है। मतलब मैं कहता हूँ कि अगर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको चांस ये मिल जाएगा कि आप टाइमली करियर में मूव कर सकते हैं, अदरवाइज 6 महीने साल बाद हमारी ग्रैंड सेरेमनी होगी, तो ग्रैंड सेरेमनी में उन लोगों को सर्टिफिकेट मिलते हैं जिन्होंने डिस्प्ले में पार्टिसिपेट किया होता है। नेचुरल है ना, हमने उस दिन जो बुलाना है उसमें से विनर्स होते हैं, उनको गोल्ड मेडल मिलते हैं, शील्ड्स मिलती हैं, वो भी हम डिक्लेयर करते हैं, वो डिफरेंट इंस्ट्रक्टर का डाटा लेके उसे कंपाइल हम डिफरेंट एचओडीज करके उस पर फिर विनर अनाउंस करते हैं, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है जहाँ पे 8-10 हज़ार की गैदरिंग होती है। वहां पे पॉलिटिशियन हो सकता है, वहां पे उस वक्त नून लीग के भी आए होते हैं पॉलिटिशियन, MP MLA आए होते हैं, पीपल पार्टी के PTI के चेयरमैन को PIT भी आ गया, इस तरह डिफरेंट कंपनीज हैं। वो काफी मैसिव लेवल का होता है, PNY कॉन्फ्रेंस C23 देखे ना तो आप हैरान हो जाएंगे, और इस लेवल का तो यूनिवर्सिटियां भी नहीं करवाती जितनी हमारी ये होती है इसका। अब PNY आप नाम चाह रहा होगा PNY C24, इस तरह का एड चल रहा होगा आजकल, PNY C24,
PNYC 24 ये देखे ना, ये पिछली दफा आए हुए थे, ये देखे, ये चेयरमैन साहब, ये चेयरमैन PIT भी आया था, ये स्टॉल, ये कंपनियां आई हुई थी, ये पहले बाहर ना वो जो टेंट लगे होते हैं उधर कंपनीज आती हैं। ये पिछले 23 की कुछ हाईलाइट्स पड़ी हुई है, लेकिन ये पिछले साल का था। इसमें फिर ये लोग जो जो पार्टिसिपेंट्स है, ये तो मैं गूगल से सर्च कर रहा हूँ, ये UET, ये ITU का रजिस्ट्रार है, ये भी आया हुआ था, ये जो इधर है यूनिवर्सिटी, ये बड़ा मैसिव लेवल का होता है ये। यहाँ पे ये जो फिर ग्रुप फोटो होता है, ये जो विनर्स होते हैं ना, उनको इकट्ठा करके फिर उनकी फोटो एक ग्रुप फोटो बन जाती है। अब PNYC 24 अब आएगा, 24 ये जैन में होना है, लेकिन ये ऑब्वियसली वही लोग होंगे। PNYC अभी तो इस पे नाम ही नहीं चल रहा होना, वो पेज भी मिलेगा। ये ऑफिशियल पेज देखे ना, आपको खुद ही पता चल जाएगा, PNY का ऑफिशियल पेज देखे, उस पर चल रहा होगा। अब हाईलाइट्स चलना स्टार्ट हो गई है। ग्यारह को हमारी इंटरनल है, इसमें आप लोगों की पार्टिसिपेशन जो होगी वो हम इवेल्युएट करके आपको आगे फाइनल राउंड में भेजेंगे, यानी आपने सेमीफाइनल आई, आपने जमा कराएंगे तो मैं रात को चेक करूंगा, मैं सारी रात चेक भी तो करने हैं ना, मैंने को अप्रूव भी करने हैं, डिस अप्रूव भी करने हैं, अगले दिन तो डिस्प्ले है, एटलीस्ट मुझे भी तो 4 घंटे चाहिए ना, आप एक एक का मैं 10-10 मिनट भी देखूं रैंडमली तो मेरे 4 घंटे लग जाएंगे, और खाली आपके नहीं, मेरे पास आपका तो कुछ भी बैच नहीं है, मेरे जो बैच में 40-50 से कम कोई बच्चा भी नहीं किसी बैच में, मतलब वो रूम में जगह नहीं होती जो मेरे बैच है, आप देखें वहाँ पे दो दो हाल फुल होते हैं, तो उसका आप खुद ही क्राउड का अंदाजा लगा लें आगे। उनके प्रोजेक्ट्स भी 11 में ही होंगे, जिनके कंप्लीट हो चुके हैं वो भी 11 में पार्टिसिपेट करेंगे, मैंने चेक करने हैं, तो मुझे एक दिन का टाइम तो देना, और टाइम काफी है अगर आप करना चाहें।